और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बैंकों के ऋण वसूलने के तरीकों पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई। बैंकों का ऋण वसूलने वाली संस्थाएं गुंडों के गिरोह जैसी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। और ये बात कही आप समझिए, क्योंकि जिस तरीके से वसूले जाते हैं पैसे, जब कोई ब्याज ले लेता है, ऋण लेता है, उन तरीकों पर सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खड़े किए गए हैं। ताकत से ऋण धारकों को परेशान करते हैं, पुलिस शिकायत पर सख्त कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने ऋण वसूली एजेंट से मुआवजा वसूलने का आदेश दिया, तो फिर किस तरीके से देखिए वसूलने का ये आदेश दिया पुलिस को पीड़ित ने, और ऐसे में याचिकाकर्ता को देने का भी आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एजेंट के द्वारा ऋण वसूली के लिए बस जब्त करने को अनुचित माना, मुआवजे की रकम तय कर रिकवरी एजेंट से इसकी वसूली किए जाने को कहा। कोलकाता के देवाशीष बी राय चौधरी ने 2014-15 में कर्ज दिया था बस खरीदने के लिए। 15 लाख रुपए का कर्ज उन्होंने लिया था। कर्ज का भुगतान 26,502 रुपए मासिक किस्त थी और इसके जरिए 84 महीने में इसको पूरा करना था, जो उन्होंने लोन बैंक से लिया था। अब इसी पूरे मामले पर कोर्ट की तरफ से जब टिप्पणी की गई, तो कोर्ट ने कहा कि जो संस्थाएं हैं जो वसूली का काम करती है, वो गुंडों की तरह पेश आती है। सुमित, ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कि ऋण वसूली का जो काम किया जाता है एजेंट से, जब मुआवजा लिया जाता है, तो उनके साथ जो संस्थाएं गुंडों के जैसा, गिरोह के जैसा बर्ताव करती है, ये बेहद सख्त टिप्पणी की गई है कोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल प्रीति, सचिव सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली जो बेंच है, उसका अभी रिटन जजमेंट जो है वो सामने आया है, जिसमें कई तरह के तल्ख ऑब्जर्वेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए हैं। कोर्ट ने यहां तक कह डाला है कि बैंकों का जो ऋण वसूलने वाली जो संस्थाएं हैं गुंडे का वह गिरोह मामूली पड़ती है, जो ताकत से ऋण धारकों को परेशान करते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंकों का ऋण वसूलने वाली संस्थाएं के खिलाफ शिकायत मिलने पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपने आदेश में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऋण वसूली के ऐसे ही एक मामले में ऋण धारकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को आरोपी ऋण वसूली संस्था के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही ऋण वसूली एजेंट से मुआवजा वसूल कर पुलिस को पीड़ित याचिकाकर्ता को देने का भी आदेश किया है। तो निश्चित तौर पर एक तल्ख टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पे की है, क्योंकि ये कोलकाता से जुड़ा एक मामला था जिसमें देवाशीष नाम के शख्स पर 15 लाख रुपए का कर्ज था, जिसको लेकर लगातार बैंक की ओर से जो तमाम जो संस्थाएं हैं जो कि ऋण वसूली करते हैं, वो गुंडे का तरह जो है व्यवहार कर रहे थे, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए एक अहम आदेश दिया है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है कहीं नजीर के तौर पर पेश होगा, क्योंकि आए दिन प्रीति आप देखती हैं कि जब ऋण वसूली को लेकर जो तमाम गुंडे प्रकृति के जो लोग हैं वो लोगों को परेशान करते और हैं। हमने देखा है कि लोगों के बीच जो धारणा बनती है, जब हम आम लोगों के बीच जाते हैं, बैठते हैं, या ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं कि जो बड़े बड़े बैंक करप्ट लोग हैं वो तो बहुत मोटा पैसा बैंक से ले लेते हैं और उसके बाद रफू चक्कर हो जाते हैं, वो देश छोड़कर चले जाते हैं, उनका तो कुछ किया नहीं जाता बैंक की तरफ से, ऐसे लोगों की धारणा है। लेकिन एक आम व्यक्ति या एक छोटा लोन अगर किसी ने लिया है, वो उसको नहीं चुका पाया या देरी हो गई, तो उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है? बिल्कुल प्रीति, देखिए आम लोगों को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी है कि जिस तरह से आम लोगों के साथ बैंक का जो रवैया रहता है वो बेहद ही एक तरह से बदसलूकी भरा रहता है, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ऐसे मामले में जो आम लोग हैं उनके खिलाफ जो बैंक का रवैया रहता है, जो वसूली के लिए जो लोगों को जो रखा जाता है बैंकों की ओर से, वो गुंडे प्रकृति के लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, ये जो अहम आदेश है, कहीं ना कहीं नजीर के तौर पर आने वाले दिनों में देखा जाएगा, क्योंकि बैंकों की ओर से जो तमाम लोगों रखे जाते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सीख के तौर पर ये एक एग्जांपल सेट होगा ये ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह का व्यवहार करते हैं, बैंकों के लिए भी एक एग्जांपल इससे सेट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित, तमाम जानकारी देने के लिए।